दोस्तों, अभी टायर में हवा भरने के लिए मार्केट में अलग अलग तरह की चीज़ें आने लगी हैं। अभी के टाइम में दोस्तों जो सबसे ज़्यादा फेमस प्रोडक्ट है वो है ये हमारे CO2 सिलेंडर। दोस्तों, ये जो CO2 सिलेंडर है वो सिंगल टाइम यूज़ प्रोडक्ट है। इसकी पूरी सच्चाई क्या है और मार्केट में जो इसके अल्टरनेटिव प्रोडक्ट आते हैं जैसे कि मिनी पम्प, तो सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, तो बने रहें इस वीडियो के साथ। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ टायर CO2 इन्फिलेंडर के बारे में, मतलब CO2 कार्ट्रिज के बारे में, सिलेंडर के बारे में। ये जो प्रोडक्ट है दोस्तों वो है ग्रैंड पेट स्टॉप की तरफ से। ये कई तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि बाइक और ऑटोमोबाइल से रिलेटेड रहते हैं। इस प्रोडक्ट की दोस्तों आप प्राइस देख लें, इस प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो 2000 रुपये है। और ये दोस्तों प्रोडक्ट जो है वो इमरजेंसी की कंडीशन में टायर के अंदर हवा भरने के लिए काम आता है। टायर आप चाहे वो बाइक का हो, साइकिल का हो, कार का हो, आप किसी भी तरह के टायर में हवा भर सकते हैं। और इस बॉक्स के अंदर दोस्तों हमें ये जो कैरी पाउच मिलता है, सारा कुछ किट का सामान इसी के अंदर रहता है। इसके अंदर दोस्तों हमें 3 क्वांटिटी के सिलेंडर मिलते हैं, मतलब नंबर ऑफ सिलेंडर 3 रहती है। इसके साथ ये यूज़र मैनुअल दी गई है जिसमें बताया गया है कि इसको कैसे यूज़ करना है, क्योंकि दोस्तों इसका यूज़ करना जो है वो एकदम ही ईजी नहीं है। उसके लिए हमें कुछ खास बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले दोस्तों सिलेंडर के ऊपर लिखी हुई वार्निंग को आप पढ़ लें। इसमें जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टिंग कंडीशन के बाद लिखी जाती है, क्योंकि दोस्तों इसमें हाईली कंप्रेसिव CO2 भरी जाती है, क्योंकि ये छोटा सा रहता है, इसमें बहुत ज़्यादा कंप्रेस करके भरी जाती है। तो उस कंडीशन में दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें वार्निंग मेंशन की जाती है, क्योंकि अगर कुछ भी हो जाता है तो बोला जाएगा कि इसमें तो वार्निंग पहले से मेंशन है, आपने उसको ध्यान नहीं रखा होगा, इस वजह से ये कुछ हुआ जो भी है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। और ये जो 3 सिलेंडर आते हैं वो सिंगल टाइम यूज़ रहता है, आप उनका एक बार यूज़ करेंगे तो फिर उनका आप दोबारा यूज़ नहीं कर पाएंगे, और आपके जो 2000 रुपये हैं दोस्तों वो सिर्फ हवा में ही चले जाएंगे। अभी दोस्तों मैं इसको कैसे यूज़ करना है और ये कितना सक्सेसफुल है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अभी दोस्तों अभी आप देख लें कि इस टायर की जो है वो मैंने हवा निकाल दी है। ये स्कूटर का टायर है, 8 नंबर साइज का। ये आप दोस्तों ये देख लें, ये ऑन ऑफ करने का स्विच रहता है इसमें, और ये दोस्तों इसका पाइप रहता है कनेक्टिंग जो कि हमारे टायर से कनेक्ट होता है। इस तरह से हम कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद दोस्तों हम इसमें सिलेंडर लगाना होता है। ये ऑन ऑफ करने का नॉब रहता है, मतलब जितना आप हवा भरना चाहें उतना हवा भर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई मीटर वगैरह नहीं है जिसको आप देख के पता लगा सकें कि इतनी PSI हवा भर गई है। दोस्तों सिलेंडर हम लगाएंगे, जैसे ही उससे हवा निकलना चालू हुआ तुरंत ये ठंडा हो जाता है। ठंड की वजह से हाथ जल जाते हैं, इनको फ्रस्ट वर्न बोलते हैं। तो उसके लिए दोस्तों ये पाउच दिया जाता है। तो अभी आप देख लें दोस्तों एकदम ही ठंडा हो गया है ये। अगर इसको डायरेक्ट हाथ से टच करेंगे तो हाथ जो है दोस्तों वो जल जाएगा। और इन सिलेंडर की और इस तरह की दोस्तों इमरजेंसी किट की खास बात ये है कि आप इसको कहीं भी कैरी करके ले जा सकते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों हवा भर गई है। अभी मैं आपको चेक करके बता देता हूँ कि कितनी हवा भरी है। तो यहाँ पर आप देख लें दोस्तों 25 PSI हवा जो है वो भर गई है। अभी सिलेंडर में कुछ और हवा बची हुई है अगर, तो उसको भी हम फिर से लगा के पूरा चालू कर देंगे। तो अभी आप देख सकते हैं दोस्तों पूरी जितनी भी सिलेंडर में एयर थी वो हमारे टायर में पास आउट हो गई है। अभी फाइनल चेक करते हैं, तो अभी भी दोस्तों आप देख सकते हैं 25 ही है, मतलब एक सिलेंडर से आप 25 PSI हवा भर सकते हैं। ये दोस्तों 8 नंबर के टायर है, वहीं पर दोस्तों अगर बाइक का कोई टायर होता तो उसमें बहुत ही कम हवा भरती, जैसे कि 12 PSI या फिर 15 PSI। और इसको आप देख सकते हैं मैं चालू करके भी बता रहा हूँ कि इसमें से हवा निकल रही है या नहीं निकल रही है। दोस्तों अगर इमरजेंसी की कंडीशन में कभी हवा निकलती है और हम इसका यूज़ करते हैं, मान लीजिए कोई पंचर हुआ, तो 25 PSI हवा, साथ ही में पंचर भी है एक, तो उतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं रहता है। और ये जो हवा भरी है दोस्तों उसकी कीमत है 650 रुपये। 2000 रुपये में 3 सिलेंडर आते हैं, मतलब 650 रुपये का एक सिलेंडर हमें पड़ता है, मतलब 650 रुपये में सिर्फ 25 PSI हवा हमने भरी हुई है। तो हवा भी महंगी हो गई है मेरे ख्याल से। और इसी तरह के दोस्तों 3 सिलेंडर आते हैं, मतलब 650, 650, 650, काफ़ी महंगी हवा है। MRP आप देख सकते हो दोस्तों 2000 रुपये। अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो मैं आपको डिस्काउंट कूपन वगैरह होगा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी एक बार आपको यहाँ पर सीधी तरफ से दिखा देता हूँ, 20 to 25 PSI हवा के बीच में है, वो भी 8 नंबर का ये टायर है स्कूटर का। अगर वहीं पर दोस्तों किसी बाइक का बड़ा टायर होता तो उसमें हवा समझ ही नहीं आती।
अब दोस्तों मैं आपको इसके अल्टरनेटिव प्रोडक्ट जो आते हैं मार्केट में, जैसे कि कोई छोटा पंप, मिनी पंप, ये भी दोस्तों कैरी करने के हिसाब से ही है। मैं आपको कोई बड़ा पंप भी बता सकता था, लेकिन बात की जा रही है यहाँ पर इस तरह के प्रोडक्ट की, जिस तरह के प्रोडक्ट को हम हमेशा अपनी बाइक के साथ में ही कैरी करके ले जा सकते हैं। ये दोस्तों डबल फोल्डिंग वाला मिनी पंप है। इसकी कॉम्पैक्ट डिज़ाइन की वजह से इसमें डबल फोल्डिंग दी गई है, मतलब कॉम्पैक्ट भी रहे साथ में डबल फोल्डिंग से ये हवा भी भरता रहे। इसको भी दोस्तों आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, और इसमें दोस्तों किसी भी तरह की वार्निंग भी नहीं है, मतलब इसमें कोई भी तरह की कंप्रेस हवा नहीं भरी गई या फिर इसमें कोई भी तरह की साइड इफेक्ट नहीं है जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम हो। अगर दोस्तों हम इस तरह के CO2 सिलेंडर को कैरी करके चलते हैं बाइक में, बाइक के इंजन के आसपास से हीट लगती है उसमें या फिर बाइक धूप में खड़ी रहती है, और धूप गर्मी वजह से अगर वो फट जाता है, अगर नहीं भी फटता है तो उसमें वार्निंग तो लिखी हुई है, मतलब एक ना एक रिस्क साथ में रहती है। अभी दोस्तों मैं आपको हवा भर के बताता हूँ इस मिनी पंप से मार्केट में इस CO2 सिलेंडर के अल्टरनेटिव प्रोडक्ट भी आते हैं। और इस दोस्तों जो पंप की कीमत है वो 500 रुपये है, 2000 रुपये कीमत नहीं है इसकी, इसकी 500 रुपये कीमत है। और इसका आप अनलिमिटेड यूज़ कर सकते हैं, जितना चाहे उतना हवा भर सकते हैं, और इसी तरह से दोस्तों इसको लगाएंगे और ऊपर उठा देंगे तो ये फिक्स हो जाएगा। अब आपको हैंडल खोल के भरना है हवा या फिर हैंडल घुमा के हवा भरना है, वो आप किसी भी तरह से भर सकते हैं। साइकिल हो, बाइक हो, कार हो, मिनी पंप है दोस्तों, इसको आप कैरी करके ले जा सकते हैं। अपनी बाइक की टूल किट में रख लें, बाइक के पीछे जो फाइबर पार्ट रहते हैं वहाँ पर भी जगह रहती है इस तरीके के प्रोडक्ट को रखने के लिए, तो वहाँ पर भी आप रख सकते हैं। इसको दोस्तों डबल फोल्डिंग टेक्नोलॉजी से बनाया गया है, जिससे ये एक फोल्डिंग में ही डबल ओपनिंग करके हवा भरता है। और हवा भर गई है, चेक करा देता हूँ मैं आपके लिए। तो ये देखिए दोस्तों, अभी मैं आपको चेक करके बताता हूँ। इससे दोस्तों अभी मैंने जो हवा भरी है वो 30 PSI भरी है, और चाहूँ तो मैं और भी भर सकता हूँ, ऐसा कोई इसमें लिमिटेशन नहीं है। तो ये दोस्तों इसका अल्टरनेटिव प्रोडक्ट मार्केट में आता है, और ये ऐसा प्रोडक्ट है दोस्तों जो आप किसी को भी दे सकते हैं, इसमें किसी भी तरह का खतरा भी नहीं है। तो मैंने आपको दोस्तों दोनों ही तरह के प्रोडक्ट अपनी वीडियो के अंदर बता दिए, 2000 वाला भी और 500 रुपये वाला भी। दोनों तरह के प्रोडक्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये पंप आप देख ले दोस्तों एक बार, डबल फोल्डिंग टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, और इसकी जो प्लास्टिक क्वालिटी है वो हाई ग्रेड ABS से बनी हुई है। इसको आप इस तरह से भी चला सकते हैं और लीवर खोल के भी चला सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। और इसको लगाने के बाद उठा देंगे तो ये हो जाएगा, लॉक हो जाएगा मतलब नोजल में। तो दोस्तों ये कंपैरिजन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ में इसी तरह की और भी प्रोडक्ट की दोस्तों वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें।